चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। लोकसभा चुनाव का सातवें चरण का चुनाव बड़े ही जोर शोर से किया गया, जिसमें सभी लोगों ने भारी भरकर मतदान किया है। इस पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भी अपना मतदान किया है। जी हां, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि लोकसभा के अंतिम चरण में मैंने अपने गाँव जोकहरी आरा में अपने मतदान का प्रयोग किया है। आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और उसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी डाला है, जिसमें मतदान वाली उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह ने बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का काम किया है। उन्होंने बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब और बंगाल में बड़े ही जोर शोर से चुनावी रैलियां किया है। करीब दिल्ली में 2 दिनों की रैली, पंजाब में 2 दिनों की रैली और यूपी बिहार में तो जबरदस्त तरीके से पवन सिंह ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। तो वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ भी पवन सिंह ने अपना जोरदार रोड शो किया था, जिसके बाद पवन सिंह के फैंस फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अंतिम चरण के मतदान में पवन सिंह ने भी अपना मताधिकारी का प्रयोग किया है। उसके बाद सभी लोगों से अपील भी किया है कि वो मतदान जरूर करें, जिसके बाद यह फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि आएगा तो मोदी ही। जी हां, मतदान निकलने के बाद पवन सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो जहां भी गए हैं वहां सिर्फ एक ही लहर है, मोदी मोदी मोदी, और 2019 में एक बार फिर से मोदी लहर ही आएगा, जिसका उन्होंने खुलासा भी किया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को करीब 300 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा पवन सिंह को होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह ने बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनिंग प्रचार भी किया है।